नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में बैकग्राउंड रिमूव करने वाला पैटर्न है, मेथड है, उसको बताना चाह रहा हूं मैं। तो समझने वाली बात यह है कि फोटोशॉप के जो सारे सॉफ्टवेयर है वो सेम दिख रहे हैं। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है सीसी, फोटोशॉप सीसी जो भी है, तो वो पूरा सेम सेम मटेरियल नजर आ रहा है। तो इसमें समझ में दिक्कत जाती है कि 22 का है कि 21 का है, क्या 20 का है, क्या 19 का है, क्या 23 का है, या 24, 23, 24 मिक्स है। उसमें वर्जन चेंज होंगे, 25 के बाद 26.7 जो भी होगा वो हो जाएगा। बाकी 2023 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर में एक बड़ा ही प्यारा मैकेनिज्म बैकग्राउंड चेंज कर देगा, जबकि ये करना नहीं चाहिए मेरे को। इस क्यों बोल रही है? तो सबसे पहली चीज की फोटोशॉप का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सब लोग नहीं चलाते, लेकिन 7.0 सब लोग चलाते हैं, तो उसमें मैकेनिज्म नहीं है और एडवांस कर दिया गया है टूल्स को। उसको देखते हैं कि कैसे करना है, बहुत आसानी से कर लेंगे अपन उसको, देखेंगे। ठीक है, ये फोटो लिया और यहाँ से फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये फोटो आ गई। और यहाँ से सीधे सीधे देखिए रिमूव बैकग्राउंड लिखा हुआ है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिमूव हो जाना चाहिए। ये रिमूव हो गया, वन क्लिक में हो गया, तो कितनी बढ़िया बात है। देखो वन क्लिक में हो गया। और यहां से अगर आप चाहते हैं कि ऐसा भी ना करें तो क्या करना होता, देखो ये है मैजिक वांड टूल की मदद लेंगे ये, और वन क्लिक करेंगे, सॉरी इसमें नहीं, लेकिन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे, जैसे मैजिक वांड टूल में है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला बटन है, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देखेंगे सिलेक्ट कर लिया, और इतना प्रीमियम और बेहतर सॉफ्टवेयर है कि मतलब मजेदार है यार। देखेंगे पूरा सिलेक्ट कर लिया आजू बाजू, कहाँ तक के कहते सिलेक्ट करा, देखो बता भी रहे हो इतना लिया है मैंने, लेकिन अपने को इसकी मदद नहीं लेना। अपने को सीधी सी चीज, यहाँ रिमूव बैकग्राउंड के बटन बना हुआ है, इसमें क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। इतना आसान सा ट्रिक है, क्या ही बोल। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं अर्थात पिक्चर, जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ, देखो यहां से ले लेते हैं। कोई नहीं, ये बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है, ये बैकग्राउंड लिए, वापस लाए यहां पर, ये लाइब्रेरी हो गया। इस बैकग्राउंड को अपन क्रॉप कर लेते हैं, इसको रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे, क्या क्या रिमूव करता है देखो, देखो मटके रिमूव कर दिया। और दूसरी चीज, यहाँ और बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, इसे देखेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ गया, तो ये भी कर सकते हैं, इस पर दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, इस बैकग्राउंड का साइज मतलब क्या है, साइज इसका 42:56 है, तो इसको करते हैं 6:4। ध्यान से देखेंगे तो यहां से कर रहा हूँ 4 और ये 6 करना हो तो ये हो नहीं रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको अनलॉक कर देंगे, वन क्लिक, बिना शिफ्ट के भी हो जाता। और ये भी ये करेंगे, इसको देखेंगे यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये 4 F6, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर इसको यहीं पर क्लिक करना पड़ेगा, 4 F6 और ये 300। ठीक है, और ऑटोमेटिक में क्लिक है, ऑटोमेटिक में क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। लेकिन फायदे और नुकसान वाली बात यह है कि इस साइज को ऐसा नहीं करना था, जैसा है वैसे रहने दो। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये अपग्रेड कर दिया गया है, इसमें बहुत सारे चेंजेस नजर आते हैं मुझे, आप लोगों को आते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे जरूर आते हैं। अब यहाँ से इस बैकग्राउंड को उठा के लाएंगे यहाँ, और यहाँ से ला के क्लिक कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर, ये हो गया बनके तैयार, ये हो गया। और अब आप अगर चाहें तो यहां से देखेंगे इसकी स्मूथ, ये स्मूथनेस तो थोड़ी गड़बड़ सी है, कोई बात नहीं, यहाँ सिलेक्ट करो और इधर क्लिक करेंगे Ctrl Shift I और Shift 2, और डिलीट करेंगे 2-3 बार का बटन, डिलीट 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 दबाएंगे, देखेंगे स्मूथ हो गया, देख रहे हैं आप, ये स्मूथ हो गया, जो आपने कटिंग किया था वो थोड़ी सी स्मूथ हो गई है। इस तरीके से इसका उपयोग करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
हम मिलेंगे कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। अगर कोई समस्या आती है आप लोगों को तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उस चीजों को सवाल जवाब करके आपको समझा सकूं, बता सकूं, सिखा सकूं। मिलेंगे कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।